फिर मैं वहाँ से भागी और भागती गई, पर स्लाइडर मेरा पीछा कर रहा था। फिर मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया। मैं छुप गई, पर अपनी सीटी गिरा दी और स्लाइडर ने उसे तोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं आईने में कैद हो गई। मैं इतनी डरी हुई थी कि कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। पर फिर मैं तुम दोनों से मिली और मैं बोल उठी, पर देखो अब मैंने सब बर्बाद कर दिया। अगर चाबी तुम्हारे पास है तो क्या तुम्हें पता है डायमंड कैसे कहाँ छुपा रखा है? हाँ, सात पत्थरों के पास, यहाँ से दूर पश्चिम की ओर। क्या लीजिया को रोक सकते हैं? ऐसी उम्मीद तो है। मुझे लगता है अगर मैं देवियों के साजों को छेड़ूं तो जादू के असर को तोड़ सकती हूँ। नहीं नहीं लियाना, हम अपने गांव से दूर कभी नहीं गए हैं। मेलडी, अगर लीडिया ने देवियों के साजों को तोड़ दिया तो क्या होगा? वो जीत जाएगी, उसे सब कुछ मिल जाएगा और हमारी दुनिया अंधकार और दुख से पूरी तरह भर जाएगी। हमारे घर की तरह। बिल्कुल हमारे घर की तरह। हमारा ये हाल लीडिया और स्लाइडर ने किया है, वो दूसरे लोगों का हाल इससे भी बुरा कर सकते हैं। क्या हम ऐसा होने देंगे? तुम चाहती हो मैं ना कहूँ, है ना? अब हम तीनों एक साथ हैं मेलेडी। सचमुच हम तीन एक साथ? सुनकर अच्छा लगा। उस स्लाइडर का क्या, क्या वो वापस आएगा? अगर गाना ना गाऊं तो नहीं आएगा, पर मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। मैंने उसे ढूंढ लिया मालकिन। कहाँ है वो? ये खेल खेलने का वक्त नहीं है। यहाँ यहाँ, वो इसमें छुपी हुई है। मैंने उसे आईने के अंदर गाते हुए देखा है। ओ वाकई मेलेडी, आंटी लिडिया तुमसे कुछ बातें करना चाहती है। मेलेडी, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये एक छोटे से घर के पास दो लड़कियों के साथ गा रही थी, एक भूरे बालों वाली थी और एक सुनहरे बालों वाली। मुझे वहाँ ले चलो। ये बहुत खूबसूरत है। देखो मेलेडी, हम पहुँच गए, यही है फूलों की घाटी। गुलाब के फूलों की खुशबू। लियाना,